नानी माँ, आज मेरे भाई ने मुझे एक नया गैजेट लाकर दिया है। वाह गैजेट, यह तो बहुत अच्छी बात है। पर गैजेट से मुझे एक कहानी याद आ रही है, वह कहानी तुम लोगों को भी सुनाती हूँ। एक गांव में सरिता नाम की एक बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास एक गधा था जिससे वह बोझा ढोकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन सरिता का पति बीमार पड़ गया और सरिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा क्यों ना शहर जाकर मजदूरी करूं। यह सोचकर सरिता अगले दिन शहर की ओर निकल पड़ी। शहर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में सरिता को एक साधु सरिता ने जाकर उनसे पूछा, महात्मा जी आप इस जंगल में कैसे, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? यह सुनकर महात्मा जी बोले, बेटी मैं पास के गांव में जाना चाह रहा था और मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। महात्मा जी मैं शहर की तरफ जा रही थी मजदूरी के लिए, मेरे पास कुछ केले हैं, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। महात्मा जी ने वह केले खाए और सीता को धन्यवाद दिया और बेटी तुम शहर क्यों जा रही हो? सरिता ने बताया, महात्मा जी मैं मजदूरी करने जा रही हूँ, मेरे पति बहुत बीमार हैं और मैं वहाँ से कुछ पैसे कमाकर उनका इलाज कराना चाहती हूँ। महात्मा जी बेटी तुम्हें अब शहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक जादू यंत्र देता हूँ। मंत्र पढ़ते ही जादू यंत्र प्रकट हो गया। जादू यंत्र ये क्या है महात्मा जी? सरिता ने पूछा। बेटी इस जादू यंत्र से जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तुम इस जादू यंत्र से पैसे मांग लेना। लो इसे अपने हाथ में पहन लो, पर याद रखना इस यंत्र का इस्तेमाल बस तुम ही कर सकती हो। अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया तो वह बहुत बीमार पड़ जाएगा और बिस्तर पकड़ लेगा। यह सुन सरिता हैरान हुई और महात्मा जी को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट आई। सरिता बहुत खुश थी। सरिता जैसे ही घर पहुंची उसने अपने पति को बताया। सरिता का पति सरिता को देखते ही, अरे तुम तो शहर गई थी मजदूरी के लिए। हाँ हाँ मैं गई थी वहाँ मजदूरी के लिए, जंगल में मुझे एक साधु महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे यह जादू यंत्र दिया है, इसलिए अब मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं है। सरिता ने उस यंत्र से जैसे ही पैसे मांगे उससे पैसे प्रकट हो गए। वह लोग बहुत खुश हो गए यह सब कुछ देखकर। सरिता ने उन पैसों से अपने पति का इलाज कराया और खुशी खुशी रहने लगे। सरिता को जब भी पैसों की जरूरत होती वो उस यंत्र से पैसे मांग लेती। धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर होने लगी। अब सरिता गांव वालों की भी मदद करने लगी थी। यह देखकर गांव के कुछ लोग सरिता से जलने लगे थे। अरे आखिर इस गरीब सरिता के पास इतने रुपए आए कहां से? इसके पास तो अपने पति के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। दूसरा बोला, पता लगाना चाहिए क्यों ना सरिता के घर की नजर रखते हैं। वह आदमी अंदर देखता है तो सरिता यंत्र से पैसे मांग रही होती है और पैसे आ जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, सरिता के पास यह जादू यंत्र है जिसके कारण उसके पास इतने पैसे आ गए हैं। मुझे यह यंत्र चुराना ही होगा। रात होते ही शंभु सरिता के घर में घुसकर वह यंत्र चुरा लेता है। सरिता सोती रहती है, उसे पता भी नहीं चलता है। शंभु घर पहुंचते ही यह सोचने लगता है, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। कहकर यंत्र से पैसे मांगते ही शंभु को एक झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वह उठ नहीं सकता है और बिस्तर पकड़ लेता है। जब सरिता को इन सारी घटना का पता चलता है
तो वह शंभू के घर जाकर बोली। भाई, यह यंत्र बस मेरे ही हाथों में चल सकता है। अगर किसी और ने इसका इस्तेमाल किया तो यही हाल होगा। कहकर अब आप मुझे मेरा यह यंत्र वापस कर दो। शंभू ने उसे यंत्र दिया और माफी मांगी। सरिता यंत्र लेकर घर वापस चली जाती है। शिक्षा: हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, ना ही चोरी करना चाहिए। नानी माँ, यह कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।